सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट फयाज अमल नजवानी और आप देख रहे हैं नजवानी टेक चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी वेबसाइट है और आपने इनवैलिड एक्टिविटी की है उस पर, या आपने किसी के ऐड पे क्लिक किया है और आपने ये कहा है कि मेरे ऐड पे आप क्लिक करें, मैं आप जैसे आप यूट्यूब पे सब फॉर सब की स्पैमिंग होती है या यूट्यूब उसको स्पैम काउंट करता है, इसी तरह से अगर आप किसी बंदे को कहते हैं कि मेरी वेबसाइट पे आप क्लिक करें, मेरे एड्स पे आप क्लिक करें, मैं आपके एड्स पे क्लिक करता हूं, इसी तरह की अगर आपको गूगल ने पेनल्टी डाली हुई है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इससे बचें और किस तरीके से आपने उसको उस पर अमल करना है। और आपको अगर इस तरह का कोई मैसेज रिसीव हो रहा है गूगल एडसेंस में कि आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो चुका है, या आपका जो अकाउंट है वो टर्मिनेट हो चुका है, या इस तरह का मैसेज आ चुका है कि जो है ना आपके एड्स जो है ना गूगल एडसेंस में या तो डिसेबल हो चुके हैं या तो उनको लिमिटेड कर दिया गया है, वो किस तरीके से आपने क्या ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं जिस वजह से गूगल ये पेनल्टी डालता है। वो पेनल्टी इसलिए डालता है जब हम अपने एड्स को या तो खुद क्लिक कर रहे हों या हम उस बंदे को कह रहे हों, किसी भी बंदे को हम कहते हैं कि आप जो है ना मेरी ये वेबसाइट ओपन करें, उसके बाद आपने मेरे एड्स पे क्लिक करना है। यानी कि गूगल भाई इस तरह की चीज़ें पहले से सेट करके रखता है, आप ऐसी चीज़ें ना करें अपने अकाउंट में या अपनी जो वेबसाइट है उस पर इनवैलिड एक्टिविटी ना करवाएं। इसके बाद यहाँ पे ये भी बता दूं कि अब अगर आप बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करते हैं तो वो भी स्पैमिंग पे अकाउंट होता है। अगर आप किसी भी वीडियो में, मिसाल के तौर पर अगर मेरा नजवानी टेक चैनल है तो इसमें अगर मैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी अपनी जो लिंक है वेबसाइट की लगा सकता हूँ, क्योंकि उस पर जो है ना स्पैमिंग तो नहीं है, बंदा क्लिक करके आएगा, लेकिन अगर आप व्हाट्सअप पे या अपने सोशल मीडिया जितने भी मैसेंजर है, फेसबुक मैसेंजर है या कोई चीज़ ईमो पे या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में अगर हम शेयरिंग स्टॉक बढ़ाते हैं, अपनी वेबसाइट की जो लिंक्स हैं वो ज़्यादा शेयर करते हैं, तो इस तरह की स्पैमिंग में अकाउंट होता है। अगर आपकी वेबसाइट पे भी इस तरह का कोई मैसेज आ रहा है कि अगर आप कि मैं आपका अकाउंट भी डिसेबल हो चुका है या आपका एडसेंस है वो भी ख़राब हो चुका है या उसको टर्मिनेट कर दिया गया है, आप इस तरह की इनवैलिड एक्टिविटी से किस तरह से बचेंगे? तो दोस्तों, इस तरह अगर आप बचना चाहते हैं तो अगर आप इस तरह की एक्टिविटी आपसे हो गई है या आपने ऐसी चीज़ें नहीं की, गूगल ने खुद ही पेनल्टी डाली हुई है, तो आपने किस तरीके से बचना है? सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये करें कि आपकी अपनी कीवर्ड की रिसर्च अच्छी होनी चाहिए ताकि आपकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है आपको वो वाली मिले, ना कि आपको सब फॉर सब करवाना पड़े या आपको ऐसी चीजें क्लिक बाय क्लिक, मतलब किसी को आप क्लिक का कहते हैं आप उसकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं, इस तरह की चीजें अगर नहीं करना चाहे, आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं तो आपको ऐसी दो तीन में आपको जो SEO प्लगइन है वो मैं आपको जो एक्सटेंशन हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उन की मदद से आप अपनी रिसर्च बढ़ाएं ताकि आपकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो भी बढ़े। तो आज का टॉपिक तो ये है कि आप जो है ना किस तरीके से अपने इस चीज़ को डिसेबल, अगर आपका अकाउंट हो चुका है या आपको पेनल्टी डाली हुई है गूगल ने कि आपके जो एड्स हैं उनको लिमिटेड कर दिया गया है, वो किस तरीके से उसका जो हल है या किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वो तो मैं अभी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे दो तीन एक्सटेंशंस आपको बता देता हूँ जो कि SEO के हवाले से बहुत अच्छी हैं। आपको एक सर्फर एक्सटेंशन मिल जाती है, सर्फर SURFER, सर्फर के नाम से एक्सटेंशन मिल जाती है, बहुत ही अच्छी है। इसमें आप कोई भी कीवर्ड लिखेंगे या गूगल में आप कीवर्ड अपना कोई भी लिखेंगे तो इसने तमाम तरह डिटेल दे देनी है कि मंथ में इसकी कितनी सर्चेस होती हैं। और दूसरी है मोज़बार, वो भी बहुत अच्छी एक्सटेंशन है, इसकी मदद से भी आप अपनी SEO बेटर कर सकते हैं। AHRF भी है, AHREF भी कहते हैं, AHREF भी कहते हैं, आप उसको भी अपने गूगल एडसेंस में या उसकी जो एक्सटेंशन है उसको भी आप इंस्टॉल करें। तो अगर मैं अगर आप YouTube पे ये चीज़ें कर रहे हैं या आपको कोई स्पैमिंग के हवाले से आपका जो अकाउंट है, यूट्यूब चैनल है, वो टर्मिनेट हो चुका है या आपका टर्मिनेट होने का खतरा है, तो मैं आपको तीन एक्सटेंशन वहाँ के, सोशल ब्लेड है, ट्यूबडी है, VidIQ है, ये तीन बहुत अच्छी एक्सटेंशन हैं। आप इनकी मदद से लोगों के टैग्स दे सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर सकते हैं, उनके टैग्स को कॉपी कर सकते हैं, आप उनकी तमाम चीज़ें सेट कर सकते हैं, आप कीवर्ड की रिसर्च कर सकते हैं, टैग्स की रिसर्च कर सकते हैं, आप टाइटल को, मतलब एक जो कंटेंट अच्छा टाइटल होता है वो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है ना किस तरीके से आपने, अगर आपके खुदा न खास्ता ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि आपकी जो पॉलिसी सेंटर पे आप क्लिक करें या रब्ता करें उस पर,
आपके एड्स जो है ना उनको लिमिटेड कर दिया गया है, किस तरीके से आपने मैसेज टाइप करना है, किस तरीके से आपने उसको लिखना है, किस तरीके से आपने गूगल एडसेंस से रब्ता करना है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा। अगर आपका खुदा ना खास्ता अकाउंट टर्मिनेट हो चुका है या आपको ऐसी मैसेजेस आ रहे हैं तो आपने किस तरीके से गूगल एडसेंस के साथ रब्ता करना है। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल सर्च कंसोल मैंने ओपन किया हुआ, यहाँ पे 374 टोटल वेब सर्च क्लिक आ रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ क्लिक्स भी आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर लास्ट में देखें तो एक दो क्लिक मतलब डेली के आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो मसला है वो बढ़ चुका है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ एड्स यू कैन शो हैज बीन लिमिटेड। इसी तरीके से आपने इसको हैंडल करना है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर आपका मसला यही है तो आपने इस पे पॉलिसी सेंटर पे क्लिक करना है, तो आपको पॉलिसी सेंटर मजीद आप पढ़ सकते हैं, इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। आप इसके बारे में ये भी पढ़ सकते हैं कि आप के ये जो एड्स लिमिटेड हवाले से जो मैसेज आ रहा है ये बाद में ख़त्म भी हो सकता है, इस वजह से कि अगर आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पर आप देखें तो इनवैलिड ट्रैफिक कंसर्न आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे आपने थ्री डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने साइट पे आ जाना है। साइट्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे आपकी वेबसाइट भी रेडी है, इसके ऊपर एड्स भी आ रहे थे, एड्स के बावजूद यहाँ पे अर्निंग भी शो हो रही थी। $2.5 मेरे बने हुए थे, लेकिन यहाँ पे मेरा इश्यू आ गया इस वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेंड फीडबैक पे क्लिक करना है। सेंड फीडबैक पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ये फीडबैक की जो ये चीज़ है डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। लेकिन अब हमने यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है। ये आप अपने मेरी वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं, वरना अगर आप इसका रिकॉर्ड लेना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। वरना अगर आप इसको कॉपी करना चाहें, डायरेक्ट लिखना चाहें, तो मेरी वीडियो को आप पुश करके लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये आपने लिखना है अपनी वेबसाइट का नाम, बाकी तमाम चीज़ें आपने लिखने के बाद आपने उसी पेज पर आ जाना है, यहाँ पर सेंड फीडबैक। लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने करना है क्लिक, ठीक है दोस्तों। जैसे ही ये वाला पेज आ जाएगा तो आपने इसका करना है स्क्रीनशॉट ले लेना है यहाँ के, ठीक है दोस्तों। जैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपने डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट है वो ऐड हो चुका है, और इसके बाद आपने वही जो आपने रिटर्न फॉर्म में ये लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है कंट्रोल सी की मदद से, और यहाँ पर आगे कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, सेंड कर देना है। बस ये आपने सेंड करना है, गूगल टीम जो है आपकी वेबसाइट पे देखेगी आपके ऑर्गेनिक ट्रैफिक। अगर आप कुछ कर रहे हैं या इनवैलिड एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप खुदा रहा इस प्रोसेस के दौरान आपने उसको ख़त्म कर दें ताकि आपका मसला ना बने। तो इस तरीके से आपने भेजना है, होपफुली आपका जो 3 से 4 दिन के बाद आपका अकाउंट इनेबल हो जाएगा अगर आपकी इनवैलिड एक्टिविटी नहीं है, वरना 15 दिन 30 दिन तक भी लग सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी एक वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है या अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें। मेरी इस वीडियो का लाइक का टारगेट कोई नहीं है, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।